नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सुहेल जैन। आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। पर्यटन राज्य मंत्री सुरेंद्र पटवा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम को हाल ही में मिले राष्ट्रीय पुरस्कार किए भेंट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से महिला युवा उद्यमियों ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की 13वीं बैठक सम्पन्न। ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विद्युत कंपनी में लंबित अनुकंपा प्रकरणों की समीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। राज्य मंत्री परिषद ने मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जरिए लगभग 1200 किलोमीटर लंबाई के मुख्य जिला मार्गों का पुनर्निर्माण हुडको के ऋण से किए जाने की सहमति प्रदान की है। जिला मार्गों के निर्माण के लिए हुडको से 2000 करोड़ रुपए का ऋण 10.50% वार्षिक ब्याज दर से मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से लिया जाएगा। हुडको द्वारा परियोजना लागत का 90% ऋण दिया जाएगा तथा शेष 10% का व्यय बजट प्रावधान से किए जाने पर सहमति दी गई है। मुख्य जिला मार्गों का पुनर्निर्माण आगामी 2 से 2.5 वर्ष की अवधि में पूर्ण होना है। मध्य प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिले राष्ट्रीय पुरस्कार आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यटन राज्य मंत्री सुरेंद्र पटवा ने भेंट किए। मुख्यमंत्री ने प्रतिष्ठापूर्ण 6 पुरस्कार पाने के लिए बधाई दी। इस मौके पर मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। राष्ट्रीय महत्व के ये प्रतिष्ठापूर्ण पुरस्कार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विगत दिवस नई दिल्ली में पर्यटन राज्य मंत्री सुरेंद्र पटवा को प्रदान किए। राज्य को मिले इस पुरस्कार के लिए मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए पर्यटन राज्य मंत्री को बधाई दी। साथ ही उन्हें अन्य मंत्रियों ने भी बधाई दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के अधिक से अधिक युवा उद्यमी बने। प्रदेश में युवा उद्यमियों के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध है। मुख्यमंत्री से युवा महिला सूचना प्रौद्योगिकी उद्यमी शिखा नागर, ऋचा खन्ना और शीतल त्रिवेदी ने मुलाकात की। ये महिला उद्यमी भोपाल में करीब 1.10 करोड़ रुपए की लागत से सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग स्थापित करने जा रही हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अधिक से अधिक बेटियां उद्यमी बने। स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन ने कहा है कि मध्य प्रदेश में विगत 10 वर्षों में स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस दिशा में कारगर पहल करते हुए गुणवत्ता वर्ष भी मनाया गया। शैक्षणिक गुणवत्ता को और बेहतर बनाने में सभी के संयुक्त प्रयास की जरूरत है। जैन स्कूल शिक्षा की राज्य सलाहकार परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा दीपक जोशी भी उपस्थित थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।